हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ईवीएस में लेसन फिफ्थ लेट्स प्ले गेम्स रीड करवा रही हूँ। इन राजस्थान मैनी गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान में अलग अलग टाइप से अलग अलग स्टेट में अलग अलग गेम खेले जाते हैं। देयर आर सम ट्रेडिशनल गेम विच कैन बी प्लेड वेरी ईजली विदाउट मच एड्स लाइक मर्दारी, स्टोलिया, गिल्ली डंडा, चुप्पा चुप्पी, पकड़म पकड़ाई इट्स एक्स्ट्रा। उनमें से कुछ ट्रेडिशनल गेम हैं जो हम बिना किसी एड के, बिना किसी सामान के आसानी से खेल सकते हैं, जैसे मर्दारी, स्टोलिया, गिल्ली डंडा, चुप्पा चुप्पी, पकड़म पकड़ाई। अदर गेम्स लाइक चार बार, चौपड़, सिंह बाकड़ी, आस्था चंगा इट्स एक्स्ट्रा आर इंडोर गेम्स। कुछ एक्स्ट्रा गेम्स है जैसे चार बार, चौपड़, सिंह बाकरी, आस्था चंगा, ये सब इंडोर गेम्स है जो हम विच आर फुल ऑफ फन एंड कैन बी प्लेड वेरी ईजली सीटिंग ऑन चबूतरी आंगन, जो हम मनोरंजन के लिए आसानी से चबूतरे या आंगन में बैठकर खेल सकते हैं। ऑन द ओशेशन ऑफ फेस्टिवल स्पेशल स्पोर्ट्स आर बींग ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट रीजन। एग्जाम्पल, ऑन द ओशेशन ऑफ मकर संक्रांति स्टोलिया इन मेवाड़, काइट फ्लाइंग इन बागड़, मारवाड़ एंड ढूंढाड़ इट्स एक्स्ट्रा। कुछ स्पेशल ओकेशन पर या त्यौहार पर भी हम कुछ खेल खेलते हैं, जैसे मकर संक्रांति मेवाड़ में, काइट फ्लाई बागड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ में। विच गेम्स आर प्लेड इन यूर विलेज। आपके गांव में या विलेज में, शहर में कौन सा खेल खेला जाता है? विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड डिस्कस अबाउट दम। जो ये बुक नंबर 26 पे कुछ पिक्चर दी गई है गेम्स की, बिलियार्ड, चेस, आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। Which game are being played in the above picture? ये जो पिक्चर दी गई है ऊपर, इनमें से ये इनके गेम्स के नाम दिए गए हैं। इन कबड्डी हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम। कबड्डी की टीम में, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? Which games are played in an open ground? कौन से गेम है जो आप ओपन ग्राउंड में खेलते हैं? Which game are played in room covered space? और कौन से गेम है जो आप रूम में या कवर्ड स्पेस में, ढके हुए स्पेस पर खेलते हैं? व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन इज जनरेट। जब हम खेलते हैं तो आपस में खिलाड़ियों की एक दूसरे में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्समैन होता है, खिलाड़ी होता है, उसकी आत्मा का विकास होता है। द गेम्स विच आर प्लेड इन एन ओपन ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। जो गेम हम खुले में खेलते हैं, जो ग्राउंड में खेलते हैं, उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। दो विच आर प्लेड इन रूम कवर स्पेस आर कॉल्ड इंडोर गेम। जो हम रूम में खेलते हैं या कवर स्पेस पे खेलते हैं, उन्हें इंडोर गेम कहते हैं। नाउ इट डेज आफ्टर द टेलीकास्ट ऑफ द मैच ऑफ कबड्डी ऑन दूरदर्शन। आजकल आप दूरदर्शन पर कबड्डी का मैच भी देखते हैं जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इट इज बिकम ए वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है। वी कैन सी चिल्ड्रन प्लेइंग कबड्डी ऑन द स्ट्रीट्स ग्राउंड ऑफ मैनी लोकेलिटीज। आप लोग बच्चों को गली में, ग्राउंड में और कॉलोनियों में भी कबड्डी खेलते हुए देख सकते हैं। At some place they are seen playing cricket। और same ऐसे ही आजकल आप बच्चों को गलियों में, कॉलोनियों में और ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए भी देख सकते हैं। Although a very big playground is required to play cricket। क्रिकेट खेलने के लिए हमें एक बड़े ग्राउंड की आवश्यकता होती है। But children are seen playing it even on small pieces of land। किंतु जो बच्चे होते हैं वो छोटे से टुकड़े पर ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। योगा इज आल्सो वेरी पॉपुलर एमोंग देम। योगा भी है जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध है। कम लेट्स नाउ समथिंग अबाउट योगा आल्सो। ये कुछ योगा के आसन दिखाए गए हैं। योगा आसन,
जो मेन योगासन है उसमें है तड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार। इन द अष्टांग योग इज ऋषि पतंजलि देर इज एन एसेमिनेशन ऑफ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि। जो ऋषि पतंजलि ने है वो अष्टांग योग के बारे में बताया है, उसमें अष्टांग योग में क्या क्या आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आवर ऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। मेडिटेशन होते हैं वो स्टूडेंट के पूरे विकास के लिए, समस्त विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। पॉइंट्स ऑफ डिस्कस, हाउ डू यू फील डूइंग योगासन आफ्टर द प्रे इन असेंबली। असेंबली में आपको योगासन कराए जाते हैं तो आप क्या फील करते हैं। स्वामी विवेकानंद सेड, स्वामी विवेकानंद ने कहा, फर्स्ट यू शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग अलोंग द इंटरनेट गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी सेप एंड मेक इट्स लैंडर हेल्थी एंड ब्यूटीफुल। सबसे पहले जो जवान हैं उनको मजबूत बनाना चाहिए और योगा करने से हमारी बॉडी जो है हेल्थी होती है और हम सुंदर दिखाई देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक लाख्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्री डिड योगा ऑन June 21, 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे। गवर्नमेंट ने जो है 21 जून 2015 को योगा डे सेलिब्रेट किया है। नाउ डेज मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरिजन कंट्री हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा इन आवर कंट्री। अनेक जो विदेशी देश है, जो विदेशों में भी है, लोगों ने योगा हमारे देश से योगा सीखना प्रारंभ कर दिया है। द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड June 21 एज द इंटरनेशनल योगा डे। तो यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी डिक्लेयर कर दिया है। इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, वी हैव टू रन एंड जंप व्हेन वी प्ले एनी गेम। जब भी हम दौड़ते हैं, कूदते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम तेज दौड़ते हैं, देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो हमारी जो ब्रीथिंग रेट, जो हमारी धड़कने होती है वो बढ़ जाती है। सिट रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली, आप आराम से बैठ जाइए और सांस लीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए। प्लेस योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल्स एंड फील इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। फिर आप अपनी फिंगर है, जो उंगलियां हैं, वो अपने नाक के पास लेकर जाइए और आप महसूस करेंगे कि आप कैसे सांस आपकी बाहर आती है और कैसे अंदर जाती है। नाउ जंप एट योर प्लेस 10-12 टाइम्स, और फिर उसी स्थान पर खड़े होकर 10 से 12 बार जंप कीजिए। एंड देन फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर अगेन। फिर आपकी जो सांस अंदर आ रही है और बाहर आ रही है उसको महसूस कीजिए। What do you realize? आपने क्या महसूस किया? In which condition the air you breathe is slightly hot and when is the cold? कभी आपकी जो सांस है गर्म हो रही है, कभी ठंडी हो रही है। Think and answer the following question. Whether fire can be lit up higher by blowing air from the mouth? तेज आग जल रही है और आप फूंक मार के क्या उसे बुझा सकते हैं? Which instrument are played by blowing air from the mouth? कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जो आप हवा भर के मुंह से बजा सकते हैं? टेक 2-3 राउंड ऑफ योर स्कूल प्ले ग्राउंड, आप अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड के 2-3 चक्कर लगाइए। नाउ नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रेथ इन 1 मिनट, और काउंट कीजिए कि आपने 1 मिनट में आपके कितनी बार सांस आ रही है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? द टोटल काउंट ऑफ ब्रेथ हैज इंक्रीज और डिक्रीज, आप काउंट कीजिए कि आपकी जो धड़कन है कितनी बड़ी है और कितनी घटी है। अ हेल्थी पर्सन ब्रेथ नॉर्मली 15-20 टाइम्स इन 1 मिनट, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में 15-20 बार जो उसकी ब्रीथ होती है वो होती है। बट व्हेन वी रन, लेकिन जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं या चलते हैं या तेज दौड़ते हैं, आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो जो हमारी धड़कनें होती है या ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है।
इन द एंड सिंग दिस लाइन इन रेम्स विद योर क्लासमेट. एंड में आप अपने क्लासमेट के साथ एक रेम्स बोलेंगे. गेम्स मेक अस एनर्जेटिक. गेम्स है जो हमें ऊर्जा देते हैं. गेम्स मेक अस हेल्थी एंड ब्यूटीफुल. गेम्स जो हमें हैं वो हेल्थी बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं. गेम्स टिक अस टू बी स्किलफुल. गेम्स हमें कौशल सिखाते हैं. गेम्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. गेम्स हमें भेदभाव नहीं सिखाता है. गेम्स डेवलप ब्रदरहुड. गेम्स हमें भाईचारे गेम्स जो है हमें भाईचारे की भावना विकसित करता है. द नेम ऑफ सम वेरी टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन हु मेड अस प्राउड विद देयर अचीवमेंट. जो प्रसिद्ध टैलेंट स्पोर्ट्स पर्सन है व्यक्ति है उनके बारे में बता रही हूँ. इन स्विमिंग, स्विमिंग में कौन है फेमस? भक्ति शर्मा. इन आर्चरी, आर्चरी में है लिम्बा राव. इन रेस्टलिंग, रेस्टलिंग में है मैरी कॉम. इन क्रिकेट, क्रिकेट में है सचिन तेंदुलकर. ऑफ द गेम्स मेंशन अबव इन विच गेम्स आर यू इंटरेस्टेड. गेम्स तो काफ़ी है किंतु आप किस गेम में इंटरेस्टेड है उसके बारे में आप आपस में डिस्कस करेंगे. ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया. अब इसके क्वेश्चन आंसर की मैं आपको पिक भेज दूंगी, वो अपनी नोटबुक में आप कर लेंगे. ओके, थैंक्स.